मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर सरकार द्वारा विद्युत कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते नजर आए। अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग थी कि विद्युत कंपनियों के निजीकरण से कर्मचारियों का अहित होगा, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उज्जैन के अलग अलग जोन पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। मक्सी रोड जोन पर कई अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधे हुए नजर आए और बाद में उन्होंने काम छोड़कर अपने ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण को लेकर उज्जैन शहर के 1500 शासकीय अशासकीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। फ्रीगंज के मुख्य कार्यपालन कार्यालय पर कर्मचारी एकजुट हुए थे और उनका कहना था कि सरकार अगर विद्युत वितरण कंपनी को निजीकरण करती है तो उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और उससे उनका काम भी प्रभावित होगा, जिसके चलते आज सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन होगा। आज जो है सभी संगठनों द्वारा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा उज्जैन डिवीजन द्वारा संभाग द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा अभी वर्तमान में एक ड्राफ्ट लाया गया है, जो कि सभी विद्युत कंपनी अथवा जो विद्युत बोर्ड हैं उनको जो है प्राइवेटाइजेशन करने का, पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन किया जाने के बाबत किया जा रहा है, जिसमें कि जो कि कर्मचारी हितैषी तथा पब्लिक हितैषी दोनों न होकर कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, जिसका विरोध किया जाना आवश्यक है, इसलिए हम लोग इसका सब विरोध कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विद्युत कर्मचारियों का ये प्रदर्शन कहां तक जाता है और सरकार कर्मचारियों की मांगों के सामने झुकती है या नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।